नमस्कार दोस्तों, मीत सीरियल के आने वाले एपिसोड आप लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा और मीत अलाहाबाद के बीच में एक ऐसा सीन होता है जो कि देखने के बाद में बर्फी देवी काफ़ी ज़्यादा जलती भुनती हुई नजर आने वाली हैं। हालांकि इसमें भी बहुत बड़ी साजिश थी मीत अलाहाबाद की, क्योंकि मीत अलाहाबाद इसलिए करीब आया था मीत हुड्डा के ताकि वो उस पेन को अपने कब्जे में ले सके। और इधर आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीका से दीप की जानकारी उस हॉस्पिटल से बाहर ना हो, लीक ना हो। और फाइनली मीत अलाहाबाद ने उस हॉस्पिटल में फ़ोन करके बोल दिया है कि किसी को भी मीत अलाहाबाद ने ये बोला है कि किसी को किसी भी तरीका की दीप की कोई जानकारी ना दी जाए, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय मीत अलाहाबाद पूरी तरीके से टेंशन में है कि ये बात पता ना चल जाए ईसा को। अगर ईसा को किसी भी तरीका से कोई बात पता चलती है तो वो ईसा की सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ईसा को पैनिक अटैक आते हैं दोस्तों। और मीत अलाहाबाद कभी नहीं चाहता कि उसकी बहन ईसा को कुछ भी पता चले। साथ ही दोस्तों आपको कुछ बड़े अपडेट से भी रूबरू करवाने जा रहा हूँ। इधर बर्फी देवी की बेटी नीलम ने जो एक प्लान बनाया है, उसने इस तरीका का प्लान बनाया है कि मैं अपने साथ मीत अलाहाबाद को अपने गांव ले जाऊंगी, क्योंकि दोस्तों उसके करीब आने के लिए वो कोई भी रास्ता छोड़ नहीं रही और लगातार एक से बढ़कर एक रास्ता अपनाती हुई नज़र आ रही है बर्फी देवी की बेटी नीलू। क्योंकि नीलू वाकई में चालाक है और इस चीज़ के लिए खुद बर्फी देवी ने बोला है कि किसी भी तरीका से तू दामाद जी के करीब आ जा। और नीलू भी वही काम करती हुई नज़र आ रही है, वही फॉलो कर रही है जो बर्फी देवी बोलती हैं। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक बार फिर से एक कहानी में नया टोस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि मीत हुड्डा पता लगा कर ही रहेंगे कि आखिरकार क्या मजबूरी रही है मीत अलाहाबाद की जो उसने इससे शादी की है नीलू से। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू।